ये है फेस आईआईटी एंड मेडिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, और ये सामने एम बाजार है। नीचे छोटा मोटा शॉपिंग करना चाहते हो सस्ता वगैरह, बोकारो से हो तो यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होता है, ये 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये मार्केट कचाकच भीड़ रहता है। आप लोगों को तैयारी करना चाहते हो देख सकते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट सामने है, और यहाँ पर देखिए ऑरेंज नीट कैंपस स्पेशली नीट के लिए है, देख सकते, मतलब एक तरह से कंप्यूटर हब का दुकान बोल सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड जैसा लेना चाहते हैं आप लोग को मिल सकता है। देखते हैं यहाँ के सामने ही, देखिए यहाँ ऊपर में दिख रहा है आप लोगों को सभी तरह के हॉस्टल्स दिख रहे हैं, जैसे गोविंद गर्ल्स हॉस्टल, ये देखिए तरह तरह के हॉस्टल मिलते हैं, सब जितने बिल्डिंग है यहाँ पर बोकारो में। हेलो गाइस, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। अभी हमें बोकारो के सेक्टर 4 में, और आज हम नाइट में मार्केट घूमने वाले हैं सेक्टर 4 का, तो नज़ारा काफ़ी मनमोहक होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं चैनल के साथ, देखते हैं। फिलहाल अभी हम हैं यहाँ पर, डीलैंड मेला लगा हुआ है, और यहाँ पर टेम्पो घर से आते हैं तो यहाँ पर उतरते हैं। यहाँ से उतरने के बाद आप लोगों को मार्केट स्टार्ट होती है, इधर से होती है, तो यहाँ चलिए आप मार्केट चलते हैं और देखते हैं नाइट में सेक्टर 4 घूमना चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। चलिए, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ, सामने मेला लगा हुआ फिलहाल अभी, और यहाँ पर टेम्पो वगैरह मिलता है आप लोगों को, यहीं से देख रहे सभी लोग आ रहे हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है ये सेक्टर 4 का मार्केटिंग स्टार्टिंग। देखते हैं यहाँ पर फूल वगैरह दिखने मिल रहा है, और इंडसलैंड बैंक दिखा रहा है, और टाटा मोटर सामने आप लोगों को चमक रहा होगा, और ये है बिल्डिंग देख सकते हैं जहाँ आईपैक का सामने ये छोला बिल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है खाने वगैरह के लिए, देख सकते हैं काफ़ी लोग खा रहे थे, क्राउड रहता है। देखते हैं यहाँ पर मोमोज वगैरह सारा कुछ मिल रहा है, तो काफ़ी देखते हैं काफ़ी लोग खाना और रखने से। ये निरोला होटल रेस्टोरेंट है, इस तरह कुछ है। इधर सेक्टर 4 मार्केट की आप लोगों को सबसे बड़ी खासियत बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग फुटपाथ मार्केट भी मिल जाएगा, और ब्रांडेड सभी शोरूम अवेलेबल है बोकारो में, जितने भी लास हो गया पुमा उमा VIP ऑलमोस्ट सब आपको शोरूम यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और फुटपाथ किनारे किनारे ऐसे शॉप लगा हुआ है, और इस पर रेट वगैरह टाइट कंसेशन मिल जाएगा, यहाँ पर रेट वगैरह घट जाता है। और देखिए सामने ये बैंक वगैरह है, देखिए ये फुटपाथ मार्केट है, और का नज़ारा है कुछ इस तरह का। आराम से यहाँ लेडीज़ वगैरह के लिए शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और ये है 4 का सबसे मेन मार्केटिंग, जहाँ सभी लोग चाहते हैं खा रहा कि चाट खाना, समोसा खाना। और भाई अगर आप लोग बोकारो से, तो ये जगह कौन नहीं जानता होगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं जानता होगा। ये देखिए सामने से यहाँ पर चाट वगैरह दिखाना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है भाई, क्योंकि यहाँ लेता भी है 60 रुपया प्लेट भाई, 60 रुपया प्लेट चाट खाना, तो यहाँ पर आ सकते हो। और किनारे किनारे स्टॉल लगे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, देख सकते इधर दिखा दे रहा हूँ सकते का, ये है नाइट का नज़ारा, चारों तरफ फिस्ट दिखा दे रहा था कि थोड़ा, इधर ये गोल्ड हाउस इधर है, इधर रेनबो रेस्टोरेंट, बाकी आप लोगों को वीडियो में देखने मिल ही गया होगा। आप लोग और आप लोग इधर से अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं सस्ता में 4 में फुटपाथ का, तो यहाँ पर मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। सामने देखते हैं रेड शेड लगे हुए हैं, ये सब में आप लोगों को थोड़ा बहुत सस्ता कपड़ा मिल सकता है, देख सकते हैं इधर किनारे किनारे दिखा दे रहा आप लोगों को, इस तरह के शेड्स बने हुए हैं। और ये मेरे सामने के लिए चलता हूँ आप लोगों को हर्षवर्धन प्लाजा, जहाँ पर छोटे मोटे आउटलेट खुले हुए हैं, तो वहाँ पर भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन बेटर क्वालिटी का मिलता है। उसके बाद इधर सामने सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सब है फुटपाथ का मार्केटिंग, यहाँ पर कपड़ा वपड़ा ले सकते हैं। और ये जो गली दिख रहा है आप लोगों को, इस गली में जूता वगैरह का है, चल जाएगा लेडीज वेडीज। इसकी ये जो शॉप मिल रहा है ये है पूरा आप लोगों को शू वगैरह का मिल जाएगा आपको, और इधर से भी मिलेगा तो शू वगैरह का मिल जाएगा देखिएगा। बाकी बात सामने हमारा होता है हर्षवर्धन प्लाजा, जहाँ योर चॉइस किड्स प्लेस, किड्स प्लेनेट, रत्न घर, छोटे छोटे करके आउटलेट हैं, देखते हैं बहुत सारे आउटलेट है। इसके अंदर में जाइएगा तब लोग बहुत सारा सब आउटलेट मिल जाएगा। वो इधर देखते हैं, इधर भी है फुटपाथ का मार्केट, तो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ हॉस्टल वगैरह भी, तो प्लाजा के सामने ही देखिए यहाँ ऊपर में दिख रहा है आप लोगों को सभी तरह के हॉस्टल्स दिख रहे हैं, जैसे गोविंद गर्ल्स हॉस्टल, ये देखिए तरह तरह के हॉस्टल मिलते हैं, सब जितने बिल्डिंग है यहाँ पर बोकारो में दिखेंगे आपको सेक्टर 4 में, सभी बिल्डिंग के ऊपर में गर्ल्स हॉस्टल बॉय हॉस्टल का अवेलेबल है, तो आराम से आप लोग, बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे को
भैया हॉस्टल वगैरह का वीडियो बनाए, हम लोग बाहर से आए, ये आए हैं, तो देख सकते हैं इस तरह का जितने भी बिल्डिंग दिखेंगे आप लोगों को बोकारो में, मतलब यहाँ सेक्टर 4 में आप लोग हॉस्टल अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। और मैं इस ये वीडियो में ओवरव्यू के लिए बना रहा हूँ, बाकी बाद में जब बनाऊंगा ये वीडियो, जब हॉस्टल के लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा और कपड़े वपड़े शॉप का रेट वगैरह भी बता दूंगा ताकि हम लोग आने में सुविधा होगा। ये मैं एक ओवरव्यू वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो में मैं पूरा सेक्टर 4 को कवर कर सकूँ, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा ओवरव्यू दिखा दूंगा। बाकी आप लोगों को डिटेल्स वीडियो मिलेंगे सभी के लिए, यहाँ रिटेलर्स दिख दिए, ये खिलौना के लिए हम लोग ज़्यादा फेमस होगा, पता ही आपको। ये देखिए जीन्स वगैरह शर्ट उट के लिए उपासना काफ़ी महंगा शॉप है, यहाँ से आप लोग शादी वगैरह का कपड़ा वपड़ा खरीद सकते हैं, ऑलमोस्ट देख सकते हैं, तो काफ़ी मस्त रहता है, अच्छे अच्छे क्वालिटी का भी मिलता है, मैंने खुद यहाँ से ख़रीदा है तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा यहाँ करा था। बाकी इस तरह का देख सकते हैं छोटे छोटे आउटलेट बहुत ज़्यादा हैं, खुले हुए हैं, इधर से लाइन बने हुए थे, तो यहाँ तरह तरह के यहाँ पर लगभग आपको सभी गाड़ी का शोरूम मिल जाएगा। और यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोग, बोकारो में जितने भी लोग आते हैं मतलब पढ़ने वगैरह आते हैं सभी, तो सबसे रहने के लिए आते हैं तो सब यहीं पर रहना चाहते हैं। तो बता दे रहा आप लोग, अगर 4 में आप लोग रहिएगा थोड़ा महंगा पड़ेगा, 4 से अगर थोड़ा सा बाहर रहिएगा थोड़ा सस्ता पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा बेड सिस्टम होता है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो जो ऐसा आप लोग एफर्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रूम वूम खोजने में भी आपको मदद कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसमें मेरे शॉप आएगा मैं कर दूंगा। बाकी बात देख सकते हैं, ये है नाइट का कुछ व्यू है, यहाँ पर स्क्रीन गार्ड वगैरह लग रहा है, ये सूट वगैरह सारा इधर ही है। और आप लोगों को गर्ल्स हॉस्टल के लिए बॉयज हॉस्टल के लिए आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, सभी तरह आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस गली है, चाय वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, तो देख लेते हैं, और किनारे किनारे चाय स्टॉल देखने के लिए मिल जाएगा, चाय के शौकीन वगैरह हैं तो आराम से आपको लड़ जाए, तरह तरह के मिल जाते हैं। और ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इतना ऊपर में दिख रहा बिल्डिंग आप लोगों को, सभी गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल्स हैं। और यहाँ पर शॉप वगैरह छोटे छोटे आउटलेट दिखाई दे रहा आप लोगों को, तरह तरह के यहाँ पर आउटलेट दिखाई दे रहे होंगे इस तरह के, देख सकते हैं। यह है जीनियस अकाडमी, देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी काफ़ी लोग पढ़ते उड़ते हैं, ये IIT के लिए तैयारी वारी करते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है स्वामी का, यहाँ पर ये भी शॉप वगैरह श्रीराम सेल्स, इधर श्रीलधर के सामने इधर आप लोगों को इस रोड से आएगा श्रीलधर मिल जाएगा। जब मैं गली घुस रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए घुस रहा हूँ, चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग, सभी तरफ इलेक्ट्रिक का सामान ही मिलेगा आप लोगों को। और आप लोग जितने भी बिल्डिंग दिखाई दे रहे होंगे, सभी बिल्डिंग के ऊपर में हॉस्टल है, फैसिलिटी है, तो आप लोग बहुत सारा कमेंट्स आता है कि भैया वीडियो भी बनाएं हॉस्टल का, देखते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल ऐसे लिखा रहेगा। और ये है हमारे सामने मैक्स कंप्यूटर भी सामने दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आप लोग को फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड मिल जाएगा, देखते इधर कंप्यूटर पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर अगर ख़रीदना आप लोगों को तो इस जोन में आ सकते हैं आराम से, आप लोगों को कंप्यूटर के सभी पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। इस वीडियो में एक्चुअली हमें कहीं कुछ वगैरह नहीं रहा हूँ, रीज़न यही है क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने जाऊँगा तो ये वीडियो 50 से 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आप लोगों को जगह होगा घुमा दे रहा हूँ। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उस पर डिटेल्स वीडियो आएंगे, ये बॉयज हॉस्टल का आएगा, गर्ल्स हॉस्टल का आएगा, मार्केटिंग का रेट वगैरह कैसा है, रेस्टोरेंट वगैरह का आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब हम पूरा डिटेल्स वीडियो आने वाले हैं, पूरा बोकारो को एक्सप्लोर करेंगे पूरा अच्छे से एकदम, तो चलिए बने रहिएगा। तो फेमस है ढोसा के लिए, ढोसा लगा नटखट, ये देख सकते नटखट दे सकते हैं, ये ढोसा के लिए काफ़ी फेमस है, आ सकते हैं ढोसा खाने के लिए, हमारे दो ही दुकान फेमस है, एक नटखट और एक कोजी स्वीट्स। हाँ, अगर आप लोग कैमरा लवर हो, मोबाइल वगैरह अगर आप लोग फाइनेंस पे लेना चाहते हो, वो सब का भी दुकान का मैं शॉप का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक शॉप वगैरह है उसका मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा, अभी तो मैं बना नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें जानकारी दे रहा हूँ मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। बाकी बात अभी देखते हैं, मेरे सामने है पाई मैथमेटिक्स क्लासेस, इसी तरह का शॉप अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ना तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक शॉर्ट टर्म में वीडियो दिखा दे रहा हूँ ताकि अब जिस वीडियो में कवर करूँगा आगे वो आप लोगों को डिटेल्स दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर सामने हंगरी बास्केट, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, तो आप लोग अगर डिनर वगैरह खा जाते फैमिली के साथ तो आराम से यहाँ पर आके डिनर वगैरह कर सकते हो, देख सकते हंगरी बास्केट, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुनहरा लग रहा है, ये हॉस्पिटल है,
हाँ ब्रो, भूल गया, फुलना भूल गया कि हॉस्टल का भी मैं, हॉस्पिटल का भी मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल भी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर अच्छा अच्छा हॉस्पिटल दिखाइए, ताकि जब कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो हम लोग को एडमिट करा सके। तो टेंशन मत लीजिएगा, सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। अगर बाहर से पढ़ने के लिए आ रहे हो 12th क्लास, तो आप लोग अगर IIT का तैयारी करने आ रहे हो यहाँ पर, तो आप लोग चाहते हो हॉस्टल वगैरह ये, तो IIT क्लासेस कौन सा ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए, अगर इस सब का जानकारी लेना है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉगर बबलू के नाम से है, तो सर्च करके सजेशन ले सकते हो। ATA मतलब एक मैं बता दूंगा कौन सा करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो सजेशन दे दूंगा। बाकी आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग जानकारी दे दूंगा कि कौन सा भी इंस्टीट्यूट यहाँ फेमस है, कहाँ से ज़्यादा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सब का जानकारी दे दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो करके हमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं, तो चलिए जानकारी दे दूंगा। बाकी बात आप लोग, अभी मैं पहुँच चुका हूँ। अगर आप लोग कार लवर हो, तो अगर डिजाइन विजाइनिंग कराना चाहते हो कार खरीदने के बाद, तो उस रोड पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर तैयारी करना चाहते हो। देख सकते हैं आकाश इंस्टीट्यूट सामने है, और यहाँ पर देखिए ऑरेंज नीट कैंपस स्पेशली नीट के लिए है, देख सकते हैं यहाँ पर सामने है। और इधर यहाँ पर आप लोग बोकारो में जितने भी अवेलेबल है, यहाँ पर हीरो का शोरूम है, आगे यहाँ पर फेडरल देखते हैं, यहाँ पर बैंक वगैरह, और सामने सामने देखते हैं यहाँ पर मारुति का सिंगार, मतलब जितने फोर व्हीलर का होता है सिंगार जो होते हैं पार्ट्स वगैरह होते हैं, सारा आप लोगों को इस लाइन से लाइन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, घुमा देते हैं आप लोगों को, जैसे आएंगे उस टाइम आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अनुमान मिल जाए कि आप लोग जब गाड़ी सजाना रहेगा तो देखते हैं। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है आकाश इंस्टीट्यूट के सामने, और इस तरह घुसेगा ये एंट्री, सब तरह तरह के आप लोगों को मारुति का सिंगार जो होते हैं, मतलब कार वगैरह का देखते हैं, लिखा हुआ मारुति सिंगार रूम, देखते हैं यहाँ पर मारुति सिंगार रूम। ये रेनॉल्ट का शोरूम इधर, यहाँ पर नेक्सॉन का भी शोरूम है, मतलब A to Z बोकारो जितने भी शोरूम वगैरह है सब सेक्टर 4 में ही है भाई, तो आराम से विजिट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कार सिंगार, मतलब इधर जितने भी हैं कार सिंगार जितने भी हैं सभी अवेलेबल हैं। इधर देखते हैं, इधर हॉस्टल वगैरह का भी, आप लोग जितने बिल्डिंग दिख रहे हैं सब में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ऊपर में मिलेगा हॉस्टल और नीचे सुपर मार्केट वगैरह है, और सामने भी हम पहुंचने वाले हैं सबसे अभी रिसेंटली में, देखें कौन सा आप लोग देख सकते हैं, इधर बॉजर हॉस्टल दिख रहा होगा, इधर देखिए ये कार का सभी सिंगार ही है, तो जितने भी हैं सजाने जाने के लिए कार वगैरह के लिए। तो बोकारो में एक बड़ा मॉल है, बोकारो मॉल को जानते होंगे, और ये छोटे छोटे मॉल हैं, एम बाज़ार जैसे हो गया, ये सब भी है, तो थोड़ा मोड़ा तो दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जैसे हमने आ गए हम लोग, ये इंस्टीट्यूट IIT के लिए यहाँ पर रहते हैं, सामने ही दो इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर जब सामने रहते हैं स्मार्ट फेस IIT का भी क्लास ओपन हुआ, बाजार है एम बाज़ार के ऊपर में, यहाँ फेस IIT मेडिकल के लिए यहाँ पढ़ाई होता है। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं, कोई कोई लोग देखते हैं यहाँ करने के लिए आ सकते हो, टी शर्ट वगैरह 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग, 300-400 रुपये तक अच्छा अच्छा मिल जाएगा आप लोग। और ये सर्विस सेंटर वगैरह यहाँ पर है, इधर तरह ये सब हॉस्टल वगैरह है, देख सकते हो चारों तरफ, नीचे शॉप रहता है और ऊपर में हॉस्टल वगैरह मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको किस तरह की जानकारी चाहिए बोकारो के रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हॉस्पिटल हो, कॉलेज वगैरह, एडमिशन के लिए, चाहे तो रहने वहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत, बाय बाय।